बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, कौन नहीं जानता उन्हें। जिस तरीके से वो लोगों की मदद कर रही हैं, मसीहा के तौर पर लोगों को मदद पहुंचा रही हैं, कितने ही न जाने कितने ही लोगों का सोनू सूद ने दिल जीत लिया है। कोरोना काल में सोनू सूद ने लोगों की खूब मदद की, कई लोगों के लिए वो भगवान बन गए। अब इसी बीच झारखंड के गढ़वा जिले में सोनू सूद के एक फैन ने अपने सीने पर उनकी तस्वीर बना ली है। इस फैन का नाम पप्पू यादव है और इस फैन ने सोनू सूद को, ये समझ लीजिए कि अपने दिल में, अपने सीने में बसा लिया है। भले ही सोनू सूद ने कई फिल्मों में विलन का किरदार निभाया हो, लेकिन यकीन मानिए असल जिंदगी के वो हीरो ही साबित हो रहे हैं। सोनू सूद के काम की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है और इन सबके बीच झारखंड के गढ़वा जिला स्थित डंडई प्रखंड के बौलिया गांव के रहने वाले पप्पू ने अपने सीने पर सोनू सूद की तस्वीर का टैटू बनवाया है। पप्पू यादव ने इस बारे में बातचीत करते हुए कहा, मुश्किल वक्त में गरीब लोगों का सहारा बने सोनू सूद मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। जब मुझे ट्यूमर हुआ था तो मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं थे कि मेरा ट्यूमर का इलाज हो सके। तब मुंबई जाकर सोनू भैया का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने मुझे बुलाया और करीब 9 लाख रुपए खर्च कर इलाज कराकर मेरी जान बचाई, अपने घर में रखा और ढेर सारा प्यार दिया। अगर मैं उनका कर्ज उतारने के लिए कुछ भी करूं तो कम ही है। भैया मेरे दिल में समाये हुए हैं, मैं सीने पर उनका टैटू बनवाकर उनके नाम पर जिंदगी समर्पित कर रहा हूं। इसके अलावा पप्पू ने यह भी बताया, कुछ दिन पहले मैंने भैया का जन्मदिन भी मनाया था और उनसे वीडियो कॉल पर बात भी की थी। अब भैया बिना मेरा मन नहीं लग रहा है। जहां पूजा घर है मैंने उस जगह पर भैया की तस्वीर लगाई है ताकि मेरी जान बचाने वाले धरती के भगवान की मैं पूजा कर सकूं। दूसरी तरफ पप्पू के सीने पर अपनी फोटो देखने के बाद सोनू सूद का भी रिएक्शन आया है। वो इमोशनल हो गए और उन्होंने रिट्वीट करते हुए इस पोस्ट पर लिखा, पप्पू भाई काहे, यानी कि आपने इस तरह से क्यों किया। तो कुल मिलाकर सोनू सूद का ये जबरा फैन इन दिनों सुर्खियों में आ गया है। पप्पू यादव की तारीफ हो रही है, कुछ लोग हालांकि उनकी आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरह की हरकत नहीं की जानी चाहिए, और कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि देखिए अगर सोनू सूद ने मदद की तो इसका धन्यवाद किस तरीके से उन्होंने किया है। कुल मिलाकर आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।